मैंने नरेंद्र मोदी और पांच चांदी के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोस्तों, अब तक की सबसे अहम जानकारी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत 5 केंद्रीय मंत्री पर FIR दर्ज हो गया है। वो भी कोई छोटी मोटी धाराओं में नहीं, कोई औने पौने धाराओं में नहीं, बल्कि देशद्रोह के मामले में ये केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री का नाम है, देश के गृह मंत्री का नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है, उड्डयन मंत्री का नाम है। ऐसे तमाम बड़े चेहरे जो भाजपा के हैं, जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है दोस्तों, जिसकी सुनवाई के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई के लिए बिहार कोर्ट ने हामी भर दिया है। बिहार की कोर्ट ने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर गंभीरता से सुनवाई करेंगे और सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, यानी कि 6 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसमें इन बड़े चेहरे को जो है समन भेजने की बात भी कही गई है इस वकील द्वारा, जिस वकील ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, उस पर कहा है कि हम इन तमाम राजनेताओं के ऊपर FIR दर्ज किए और इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। अब देशभक्ति में डूबी पार्टी पर ऐसा मुकदमा दर्ज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगी है। जो पार्टी खुद को देशभक्त कहती है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना कोई, जी हाँ, कोई कम बात नहीं है। बिहार में तो इस खबर को कई चैनलों ने प्रमुखता से छापा है, चलाया है, लेकिन महान मीडिया ने ये खबर को जगह तक नहीं दी है कि ये कोई खबर भी है, क्योंकि पूरे बिहार में ये इस खबर पर सुर्खियां बटोरी जा रही है। इस खबर पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। पूरा मामला क्या है ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो सुनिए कि वकील जो है, जिसने इस पर पूरे मामले पर FIR दर्ज किया है, वो क्या कह रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी और पांच चांदी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अधिवक्ता विनायक कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। सुना आपने दोस्तों, वकील साहब साफ साफ बोल रहे हैं कि वो देश को जो है निजीकरण कर रहे हैं, देश की सरकारी संपत्ति का निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए ये धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम पश्चिमी कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल कर दिया गया है। इन सभी लोगों के खिलाफ दोस्तों 124A IPC की धारा 201, 120B के तहत एक देशद्रोह का मामला भी दर्ज कराया गया है। इन तमाम धाराओं को जो है, इन 5 केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर धाराएं लाद दी गई है। ये परिवाद जैतपुर ओपी पोखरेरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने दाखिल किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रख दिया है। इसके लिए 6 अगस्त को जो तारीख है वो निर्धारित कर दी है कि अब इस पूरे मामले पर 6 अगस्त को सुनवाई चलेगी। विनायक कुमार के अधिवक्ता मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने और मौलिक अधिकार का हनन करने का आरोप लगाया गया है कि कैसे उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और मौलिक अधिकारों का जो है वो हनन हुआ है, इस वजह से ये धाराएं इनके ऊपर लगी गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संपत्ति, देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीन लिया गया है। इससे देश में बेरोजगारी जो है और अराजकता बढ़ी है। खासकर बेरोजगारी की बात करें
तो बेरोजगारी जो है सरकार में काफी ज्यादा बड़ी है, जिसको देखते हुए ये केस जो है दर्ज किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी यहां पर परिवाद दाखिल किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर अहियारपुर के समाजसेवी तमन्ना हाशमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी CGM के कोर्ट में ये परिवाद दाखिल किया था। यूपी के CM पर जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था तब वो अब्बा जान करके संबोधन करके एक समुदाय विशेष को बदनाम करने का कोशिश कर रहे थे। आरोप इन पर ये लगाकर FIR दर्ज की गई थी। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब वहां पर योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आए थे, जब वो एक समुदाय को विशेष करके खासकर जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, अब्बा जान, चचा जान, ना जाने कौन कौन से शब्द जो है इस चुनाव में आए गए थे, भाई जान, और इसको रैलियों में बोला जा रहा था, जिसको देखते हुए यहां पर भी परिवाद दाखिल किया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल ये अब उठने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इन तमाम बड़े राजनेताओं पर FIR करने का जो उद्देश्य है उसमें इस पूरी प्रक्रिया पर किस तरह से काम किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद अधिवक्ता दे रहे हैं कि कैसे जो है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे और कोर्ट में इन तमाम लोगों को घसीटेंगे जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश के लोगों के साथ धोखा किया है, कि कैसे उन्होंने कहा था कि वो रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन जब से सत्ता में आए हैं तब से बेरोजगारी जो है वो हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।